ऑलरेडी कि अपन क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर की, तो आज अपने पास जो ईयर है वो 2001 है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे तो इसको दो भाग में करेंगे। तो आज जो अपना पार्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन। तो ऐसा बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बात कहता है कि हर स्टेट्स को ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मदर टंग के अंदर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। अब अपने पास यहाँ पे ऑप्शन के अंदर चार आर्टिकल दे रखे हैं, तो चारों को देख लेते हैं, उसमें से जो भी आंसर होगा वो अपन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सबसे पहला आर्टिकल देखो, आर्टिकल क्या है अपने पास, 349 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर करा गया है इनैक्टमेंट ऑफ द सर्टन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड सर्टन लॉज के लिए हमने 349 का यूज करा है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 350 की, जो 350 आर्टिकल है, लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर द रीड्रेस। तो ये बोला गया है कि आर्टिकल 350 के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी अपने जो ग्रीवेंसेस होते हैं उसके लिए वो कौन सी होगी, ग्रीवेंसेस यानी हमारी जो शिकायतें होती हैं। अब उसके बाद अपने पास आता है आर्टिकल 351, आर्टिकल डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो आर्टिकल 351 किससे रिलेटेड है कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए उससे। फिर उसके बाद अपने पास आता है आर्टिकल 350A, तो 350A बोलता है कि फैसिलिटीज फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज के अंदर जो मदर टंग को यूज़ करा जाएगा वो अपन को कौन बोलता है, आर्टिकल 350A। और हमसे यही पूछा गया है कि इंस्ट्रक्शन किस में दिया जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, मदर टंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल किस कौन बात कर रहा है, ये आर्टिकल 350A। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। तो आर्टिकल 143 जो है ना वो ये देता है, पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो कंसल्ट कर सके किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट, बट एडवाइस नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देखो आर्टिकल 43 बोलता है कि प्रेसिडेंट को अगर कोई भी डाउट हो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी से लॉ से रिलेटेड तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट से ये बात पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में होगी तो उसको देनी जरूरी होगी, अदरवाइज अदर जो मैटर हो उसमें दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में देनी जरूरी होती है। लेकिन जो वो एडवाइस देता है अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उसको मानना चाहता है या फिर वो नहीं मानना चाहता। तो यहाँ पे आप देखो क्या बोला है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट टेंडर अपनी एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को वो अपने इनिशिएटिव से करेगा क्या, नहीं। कभी भी ये नॉर्मल भी चीज़ है कि अगर आपसे कोई पूछे नहीं तो आपको अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो ये नहीं होगा, ओनली इफ़ ही सीक सच एडवाइस। तो यहाँ पे ये जो ओनली आ रहा है तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि हमें ये पता है, देखो पॉलिटी के अंदर जब भी मोस्टली ओनली आता है ना तो वहाँ पे क्लॉज हो जाते हैं। तो आप अगर पेपर में देखने जाओ कि ओनली जो होता है वो हमेशा स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ओनली ओनली से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना पॉलिटी पढ़ते वक्त ये ओनली वाला जो क्लॉज है यहाँ पे नहीं लगता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले स्टेटमेंट भी चेक करो, ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली इफ द इशू पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो ये भी गलत है। ओनली बोला है कि सिर्फ थ्रेट उस टाइम पे वो ले सकता है, सजेशन ले सकता है, लेकिन ओनली नहीं है, और भी बहुत सारे मैटर्स है। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर अपना कौन सा है, बी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के द्वारा कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी जाती वो हमसे पूछा गया है। अब देखो ये सबसे पहले तो कैग के बारे में अपन देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है एक या दो पेज का चैप्टर है, तो अपन आराम से उसको याद कर लेते हैं। देख लो एक बार रिवाइज करते हैं, कैग को जो है आर्टिकल 148 के अंदर दे रखा है, इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं 6 ईयर और 65 ईयर्स के लिए, रेजिग्नेशन जिसने अपॉइंट करा उसी को रेजिग्नेशन देते हैं। रिमूवल होता है सेम मैनर में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सिक्योरिटी रहेगी या तो 6 साल रहेंगे या 65 ईयर्स एज रहेगी। सैलरी जो होती है वो जज के बराबर होती है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, और रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। अब देखो इसके बाद हमसे यहाँ से फंक्शंस पूछे हुए हैं, फंक्शन में देख लो सबसे पहले क्या होता है, ड्यूटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 149 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग। तो जो आर्टिकल 149 है वो पार्लियामेंट को कहता है कि आपको ड्यूटीज एंड पावर्स बताने किसके, कैग के। तो इसलिए पार्लियामेंट इनैक्ट करती है कैग के ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, और उसके अंदर अमेंड करती है 1976 टू सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम द ऑडिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उसके कुछ फंक्शंस दे रखे हैं तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ही ऑडिट द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट ऑल्सो। तो ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स के, उसको ऑडिट करते हैं। मैं ना एक बार इंटर्नशिप कर रही थी गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर ना कैग की टीम आई हुई थी, तो वो क्या हर साल आते हैं और ना ये लोग है ना कैग की जो टीम होती है ना, तो फिर वो जितने भी अकाउंट्स वगैरह वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना आपको जो
ऑफिस वगैरह से होते हैं वो देने होते हैं। तो जो जिन सर के अंडर मैं काम कर रही थी तो उन सर से भी डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन उन्होंने बोला, मतलब जो LDC वगैरह थे ना उनसे मांगा उन्होंने कि ये डॉक्यूमेंट हमें ला के दो। तो उन्होंने आके मेरे सर से बोला कि ये लोग ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने सर ने बोला था कि इनको बोलो कि आप जाके ना उनको रिटर्न में ला के, ये आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ये रिटर्न में दो, तो फिर हम आपको वो देंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं जिस ऑफिस में काम कर रही हूँ उसमें बहुत करप्ट लोग थे, बट मुझे रियली पता नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला था। बट मैं कह रही हूँ कि कैक का यही काम होता है कि जो अकाउंट जो ऑडिट्स वगैरह कर रहे होते हैं ना वो, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे जो पैसा आ रहा है जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है और कैसे जा रहा है, ठीक है। ही ऑडिट्स ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द एवरी स्टेट। तो यहाँ पे मेरे सर जो थे वो नहीं थे बिल्कुल भी करप्ट, उनके लिए तो मैं डैम श्योर हूँ, लेकिन जो आसपास के ऑफिस में थे ना, मतलब जो और भी एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, और वैसे भी गवर्नमेंट के ऑफिस का तो हाल बहुत बुरा है, especially state government के, he audits all the expenditure from the contingency fund and the public account of India and every state। तो ये भी कि वो क्या करता था, audit करता है जितने भी expenditure हुए कौन से fund से, contingency fund से और public account of India से। he audits all the expenditure from the department of the central government and the state। सारे department किसके, central और state government के। वो audit करता था accounts of any other authority when requested by the president or local bodies या फिर governor से। वो other authorities होते हैं उनके भी account को देखता है। अब यहाँ पे देखो तीन फंड आए हैं अपने पास, आया अपने पास कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, दूसरा आया कंटीजेंसी फंड और एक आया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इन तीनों में क्या डिफरेंस है कभी बताऊंगी। ये तीनों अलग अलग फंड्स होते हैं। जैसे आप लोग FDI वगैरह कराते हो और जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है, जैसे SBI किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो जो SBI का खुद का अकाउंट होगा, लेकिन बेसिकली जो इंटरेस्ट वगैरह, जैसे RBI ने कोई स्कीम वगैरह निकाली तो किस में जाती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाती है। कंटीजेंसी फंड होता है शायद इमरजेंसी फंड होता है कि जब आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए होते हैं। फिर कंसोलिडेट फंड होता है, कंसोलिडेट फंड एक ऐसा होता है जो सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना वो इसी से होते हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी जाना, पार्लियामेंट वगैरह में वो डिसाइड करते हैं जितने भी रूल्स वगैरह, वो किससे होते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। फिर यहाँ पे देख लो, मैंने शॉर्ट में बता दिया, कभी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ही ऑडिट्स अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। वो ऑडिट करता है जो कि किसी भी अथॉरिटी के, अगर वो रिक्वेस्ट करे जाए किससे, प्रेसिडेंट और गवर्नर से। ये गाइड और फ्रेंड फिलोसोफर काम करता है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जो कि आर्टिकल 150 के अंदर मेंशन है। प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट शैल बी कीप्ड। उस अकाउंट के बारे में ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है जो भी प्रिस्क्रिप्शन करना होता है प्रेसिडेंट को, इन द फॉर्म ऑफ किसके अकाउंट्स में, सेंटर और स्टेट के अकाउंट में। आर्टिकल 151 में ये सबमिट करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 151 कहता है कि अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है अकाउंट्स, अब वो जो सेंटर का होता है वो तो प्रेसिडेंट को करता है, और स्टेट की होती है तो स्टेट के गवर्नर को करता है। ये असर्टेन और सर्टिफाई भी करता है कि जो रेंट लग रहा होता है, टैक्स दे रहा होता है, ड्यूटी पे कर रहे होते हैं ना, आर्टिकल 279 के थ्रू। कैग तीन टाइप की रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। सबसे प्रेसिडेंट जो होता है, कैग जो होता है वो प्रेसिडेंट के सामने रखता है ये तीनों रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको सामने रखता है किसके, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। फिर पार्लियामेंट के रखने के बाद ये जो PA पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो क्या करती है, इसको एग्जामिन करती है। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही क्या है, गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर है। और ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 150 के अंदर कहा गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी हो गई। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट। इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया, नॉट। तो यहाँ पे देखो, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये बात सही है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, मैंने आपको बताया था अभी। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉस अकाउंट, ये भी सही है। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ द पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज इन द एक्सचेकर, तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसके पास ये काम नहीं होता, क्योंकि पब्लिक से वो डील नहीं करता, वो डायरेक्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर उसे कोई वो कहे, कंपनी या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑडिट करने को कहे तो उसका काम करता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता और इशू कंट्रोल भी नहीं करता पब्लिक का मनी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट है, नॉट विच है, तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि मैच लिस्ट करनी है आपको, लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सेंट्रल स्टैटिकल सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये किसी फाइनेंस है, इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। देखो, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस किसके द्वारा, RBI के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा। और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, तो ये देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे ये क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, तो इसको अपन छोड़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो फोर्थ शेड्यूल को डिफाइन कर रहा है। शेड्यूल से क्वेश्चन अपन ने करे थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सिक्स वाले में आपको बताऊंगी वन का पूछा था, टू का पूछा था, फोर्थ का पूछा था और फाइव का पूछा था। तो यहाँ पे देखो फोर्थ शेड्यूल फिर पूछा है हमसे, तो यानी शेड्यूल्स किसको बताते हैं वो हमें याद। पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो वो क्या होगा, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। वो कौन सी लिस्ट के अंदर है, सेवन लिस्ट के अंदर है। यूनियन देखो तीन लिस्ट पढ़ते हैं वहाँ पे, यूनियन की होती है, स्टेट की होती है, कंकरेंट। सब्जेक्ट कितने हैं, 97 थे पहले, अब कितने हो गए 100। पहले इसमें 66 थे, अब कितने हो गए 61। इसमें पहले कितने थे 47, अब कितने हो गए 52। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये तीनों लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके अंदर दे रखा है, सेवन शेड्यूल के अंदर। फिर देखो यहाँ पे बी और सी को शायद इसमें ना लैंग्वेज में, ये यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा हुआ है, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड, तो लैंग्वेज जो है 22 किसमें, 8 शेड्यूल के अंदर। इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो ये किसमें है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर। और हमसे यही पूछा गया कि फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है, तो फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरीज। तो इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहते हैं हम, राज्यसभा को कहते हैं। नाम चेंज करा था 1954 में, क्या करा था, राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इन विच वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे कंट्रोल करती है। देखो सबसे पहला है थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, थ्रू कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये कंसल्टेटिव कमिटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं करती, इनका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट काम, मतलब जो कमिटी जिस पर्पज़ के लिए बनी हुई होती है उस पर्पज़ पे काम करना। बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सेंड पीरियडिक रिपोर्ट्स, तो ये रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं करा जाता, ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए होता है। बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स, तो ये तो हाई कोर्ट इशू करता है और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स, तो ये भी नहीं होगा। और इसका फर्स्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, तो इसके थ्रू सही है। देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की तरह कैसे करती है, मैं आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग होती है, एक एडॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग के अंदर तीन कमेटीज़ के अंदर जो अलग अलग होती हैं वो देख लो। सबसे पहले है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के अंदर आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर दूसरी होती है डिपार्टमेंट ऑन स्टैंडिंग कमेटी, ये 24 बनाई जाती है। फिर होती है कमेटी टू इंक्वायर, इसके अंदर कमेटी ऑन पिटीशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेज, एथिक्स कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी टू स्क्रूनिटाइज एंड कंट्रोल, कम्युनिटी टू रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउसकीपिंग कम्युनिटी एंड सर्विस कम्युनिटी कमिटीज। तो ये सारी होती है। फिर उसके बाद होती है एक स्टैंडिंग कमेटी, और फिर दूसरी होती है टाइप की होती है एडॉक कमेटी, जिसमें दो टाइप की होती है, इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। अब देखो इनका पॉइंट्स और इलेक्ट बाय द हाउस एंड नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, और ये नॉमिनेटेड करी जाती है किसके द्वारा, स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा। ये किसके अंडर वर्क करती है, ये डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन के अंडर वर्क करती है। फिर प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और द स्पीकर, जिस हाउस के लिए काम कर रही है उसी के अंदर करेगी। एज अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और राज्यसभा, इनके पास सेक्रेटरीट भी होता है। तो अगर इंडियन पार्लियामेंट को अपना कंट्रोल करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो किसके थ्रू करेगी, पार्लियामेंट कमेटीज के थ्रू करेगी। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है उनके अंदर सब कुछ चीज़ें आती है। देखो इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, फिर यहाँ पे पब्लिक अकाउंट, अगर पब्लिक का कोई भी है, जो अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कितना बजट में एस्टिमेट होना है, कितना क्या चीज़ होनी है, वो सारे ये पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर कमेटी बना रखी है। तो बेसिकली कहा जाता है कि पार्लियामेंट को अगर एक्सरसाइज करना हो अपना कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो इन कमिटीज़ के थ्रू करते हैं। इस ऑप्शन सबसे बेस्ट यही आंसर है। तो आज का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, इसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।